देख ही चुके हो कि कितना मुझे आया अगर लास्ट 28 डेज का, और लास्ट 90 डेज का चलो लेके चलता हूँ, बिकॉज 3 महीने बाद मुझे पेमेंट आया था, मैं काम नहीं कर रहा था। तो लास्ट 90 डेज में यू कैन सी कि दो हाईएस्ट यूट्यूब इनकम 2021। सो बहुत सारे लोगों का मिथ है कि YouTube बहुत ज्यादा पैसे पे करता है, तभी ये लोग वीडियो बनाते हैं और इतनी वीडियोस डाल करके बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, इनके पास गाड़ी है, बंगला है, क्या क्या है। तो वो सारे मिथ्स आज टूट जाएंगे कि मैं आपको दिखाऊंगा हाईएस्ट पेमेंट फ्रॉम YouTube इन 2021। या आप ऐसा सोचते हो कि मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा और मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, कितने पैसे कमा पाऊंगा, कितने वक्त में कितना ग्रो कर पाऊंगा, वो सारी चीजें आज आपको क्लियर हो पाएंगी अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि 2021 में मैं एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूं और उससे काफी ज्यादा पैसे कमाता हूं। तो आपको आज पूरा गाइडलाइन मिल जाएगा कि क्या सही है क्या नहीं है, बिकॉज मैं आपको पूरा दिखाऊंगा एनालिटिक्स में ले जाके कि मैंने कितना कमाया और कितना हाईएस्ट पेइंग है अभी तक मेरा ऑन यूट्यूब, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले और आपको ये भी लगे कि मुझे करना चाहिए YouTube खुद के लिए या लोगों के लिए। बिकॉज मैं हमेशा बोलते रहता हूँ लाइक दिस वीडियो, कमेंट करो, और अगर नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करो। क्यों कहता हूँ? बिकॉज आप लोगों की ये चीजें मुझे मोटिवेट करती है, ये पैसा नहीं। बिकॉज अभी देखने के बाद आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो सीधा चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि आपको 2021 में चैनल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आपको कितना मोटिवेशन मिलता है इस वीडियो से वो आप मुझे कमेंट में करके बताना। सो लेट्स गो। सो गाइस, यहां पर मैंने आपके लिए साफ साफ एनालिटिक्स खोल के रखा हुआ है। कोई भी बंदा ऐसे कभी भी शेयर नहीं करता होगा, अपने पूरे अंदर की चीजें नहीं दिखाता होगा, क्योंकि गाइस आपको पता है ये सारी चीजें थोड़ा सा पर्सनली लोग छुपा के रखते हैं कि सबको ना पता चले कि उनका चैनल कैसे ग्रो कर रहा है कैसे नहीं कर रहा। बट मैं यहाँ पर कुछ भी आपसे नहीं छुपाने वाला हूँ, सारी चीजें आपको दिखाऊंगा एंड टू एंड। आप देख सकते हो और आप तय कर सकते हो कि आपको यूट्यूब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आपको पैसे के लिए करना है तो आपको 2021 में स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट। सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर, तो इस वीडियो में देखते रहो। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इनकम या बीच में इस वीडियो के, बट यहां पर मैं और भी चीजें आपको दिखाऊंगा, जैसे कि वॉच टाइम, व्यूज, सब्सक्राइबर एंड ऑल द थिंग्स, राइट। सो यहां पर लास्ट 28 डेज का आप देख सकते हो, आपके आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 187% मोर देन विजुअल व्यू इन लास्ट 28 डेज। इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उससे पहले मैं थोड़े दिन के लिए यूट्यूब बंद कर दिया था। आई थिंक 1 महीने या 1 महीने या 2 महीने के लिए यूट्यूब बंद था। एंड एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था आई थिंक ऑलमोस्ट 2 साल हो चुके मुझे यूट्यूब करते करते, बट बीच में मेरा चैनल 6 महीने के लिए बंद हो गया था। तो आप कह सकते हो कि 1.5 साल का ये जो प्रोग्रेस है इतना ही है, और उसके बाद भी मैं कई कई महीने बीच बीच में नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज यू नो ऑल कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ प्लस सर्विस देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग में, मेरी खुद की एजेंसी है। तो उसमें बिजी होने के कारण बहुत बार मैं बहुत ज्यादा स्किप भी कर देता हूँ यूट्यूब, बट स्टिल आई एम डूइंग, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा मजा आता है आप लोगों की हेल्प करने में वीडियो वीडियो बना के, तो मैं ये करते रहता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देखो 28 डेज का मैंने खोल के रखा है। और एक और चीज क्लियर कर दूं, अभी मेरी जो लास्ट पेमेंट थी वो आई थी जनवरी 2021 में 22 तारीख को, राइट। 23 को मुझे पहुंच गई थी, मुझे नोटिफिकेशन आ गया था कि मेरा पेमेंट वहां से रिलीज हो चुका है और वो 5 से 6 दिन में मेरे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा, राइट। सो मुझे जनवरी में पेमेंट आई थी, ठीक है। तो ये 28 डेज का बता रहा है, लास्ट 28 डेज का। तो 28 डेज का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि सब्सक्राइबर जो मैंने गेन किया है वो 700 के लगभग गेन किया है, वॉच टाइम जो मैंने पाया है वो 2.7K है, और व्यू जो आप देख सकते हो वो 100 की बहुत ही जल्दी टच करने वाला। तो ये सबसे अच्छी चीज है, बिकॉज बहुत अच्छा अभी चैनल ग्रो कर रहा है बिकॉज ऑफ यू ऑल, आप लोग इतना हेल्प कर रहे हैं। सो ऐसे ही आप वीडियोज को देखते रहो और मैं आपकी हेल्प करते रहूंगा, ऐसी अच्छी वीडियोज बनाते रहूंगा जिसमें आपको सारी चीजें ट्रांसपेरेंट दिखाई देंगी, राइट। अब रीच की अगर हम लोग बात करें तो रीच कितना है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आप देख सकते हो कुछ समय से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूं, तो यहां पर आपको दिख रहा है कि रीच बहुत ज्यादा ड्रॉप हुई है, राइट। सीधा साफ साफ दिखा रहा हूं आपको, कोई आपको नहीं दिखाता है, ट्रस्ट में मैं आपको सीधा दिखा रहा हूं कि कितना ज्यादा ड्रॉप हुआ है व्यू, राइट। तो इंप्रेशन काफी अच्छा था कि 4 लाख के आसपास आपको इंप्रेशन मिला हुआ है, राइट। और इंप्रेशन खरीद थ्रू रेट आप बोल सकते हो 5% है। मैं अभी बीच में ट्रैवल कर रहा था इसलिए कोई वीडियो नहीं डाल रहा था, तो ये कम हो चुका है, बट यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा खासा होता है, 8 से 10 जाता है हमेशा। तो ये अच्छा रहता है जब मैं इसमें रेगुलर काम करते रहता हूँ, बट अभी ड्रॉप है बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि मैंने काम नहीं किया, राइट।
राइट, और व्यूज भी ड्रॉप है, थोड़ा 11% ड्रॉप है, और यूनिक व्यूअर्स आप देख सकते हो कि इतने जो एक्स्ट्रा बाहर के लोग हैं वो 36,000 के आसपास मेरे चैनल पे विजिट किए हैं। अगर हम इंगेजमेंट की बात करें तो इंगेजमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, 2.7K वॉच टाइम है मेरा, और जो होता है पूरे वीडियोस में जो आता है लास्ट 28 डेज में जो आया है वो आया है लगभग 2 मिनट, राइट, आप बोल सकते हो 2 मिनट के आसपास। एंड उसके बाद हम ऑडियंस की बात कर लेते हैं, और ऑडियंस भी मैं दिखा देता हूँ, वही है 36,000 के आसपास जो नई ऑडियंस आई है, और एवरेज जो व्यू है वो 1.8 है, और सब्सक्राइबर मैंने आपको दिखाया है कि 700 के लगभग आए हैं। मेरा मंथली जो सब्सक्राइबर है वो 1,000 तक होता है हाईएस्ट जब मैं एक्टिव रहता हूँ, एंड अगर एक्टिव नहीं रहता हूँ तो वो जाता है 300 से लेके 600 के बीच, राइट। तो अभी 700 का है बिकॉज अभी ये मंथ एंड नहीं हुआ है, तो अभी बहुत सारी वीडियोज आना बाकी है, ऐसी वीडियोस आएंगी अगर आप थोड़ा सपोर्ट करोगे तो। अब रेवेन्यू की बात करेंगे, बट रेवेन्यू मैं दिखाऊंगा ओवरव्यू में आपको, और दिखाऊंगा कि मैंने कितना पेमेंट कलेक्ट किया है लास्ट 28 डेज में पहले, फिर उसके बाद 7 डेज में, राइट। तो यहां पर हम लोगों ने 28 डेज सेट कर दिया, और यहां मैं आपको दिखा दे रहा हूं रेवेन्यू, तो आप देख सकते हो सामने रेवेन्यू $87 ओनली, राइट। अभी मैंने 100K व्यू भी क्रॉस नहीं किया है, और आप देख सकते हो कि एवरेज जो चैनल्स होते हैं उनको इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं आता है, इस चैनल पे रेवेन्यू इतना ज़्यादा इसलिए है, और ज़्यादा का मतलब यह है कि 70K व्यू में $70 भी बनना बहुत मुश्किल होता है ऑन यूट्यूब, बट यहाँ पर $80 नहीं $90 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, और ज़्यादा का मतलब यही है कि जो और भी चैनल्स हैं जो कॉमन एंटरटेनमेंट के चैनल्स होते हैं उसमें इतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं बनता है, इसमें बन रहा है बिकॉज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग नीश, एफिलिएट मार्केटिंग की ज्यादा से ज्यादा वीडियो मैं बनाता हूँ, इसी कारण सिर्फ यहाँ पर चीजें ज्यादा आपको दिख रही है, मतलब कि डॉलर्स आपको ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये तो लास्ट 28 डेज का है, मुझे 22 को पेमेंट आई थी जैसा कि मैंने आपको बताया, तो अब मैं लास्ट 7 डेज का आपको बताऊंगा कि क्या प्रोग्रेस है। तो यहाँ पर हम लोग 7 डेज इसको फिट करते हैं, और आप देख सकते हो 7 डेज में $20 मुझे बेनिफिट्स हुए हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको 70K में $70 बनना चाहिए, और यहाँ पर 20K में मुझे $20 ही बने हैं, जबकि मैंने यहां पर ज्यादा अपलोड्स भी नहीं किए हैं, यू नो ऑलरेडी, राइट। और यहां सब्सक्राइबर आप देख सकते हो 150 के आसपास सब्सक्राइबर, एंड वॉच टाइम जो है 713, ठीक है। तो ये है पूरा गेम यूट्यूब का, और अगर आप भी यूट्यूब चालू करना चाहते हो, यूट्यूब पे पैसे कमाना चाहते हो, तो अब आप देख लो भाई आपको करना है या नहीं करना है, और हाईएस्ट पेमेंट आप देख ही चुके हो कि कितना मुझे आया अगर लास्ट 28 डेज का, और लास्ट 90 डेज का चलो लेके चलता हूँ बिकॉज 3 महीने बाद मुझे पेमेंट आया था, मैं काम नहीं कर रहा था, तो लास्ट 90 डेज में यू कैन सी कि $205 की मुझे अर्निंग हुई है फ्रॉम यूट्यूब, और जो व्यूज है वो 200K के आसपास है, ठीक है, 200K नहीं 1,96,000 व्यूज है, राइट। तो ये है यूट्यूब का पूरा गेम, अब आप डिसाइड करो कि आपको यूट्यूब स्टार्ट करना है या नहीं करना है, वो डिपेंड करता है आप पे, बट अगर आप सिर्फ यूट्यूब करोगे और कहोगे कि मैं अर्निंग कर लूँ शुरू में 1-2-3 साल, तो आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, हाईली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, और अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखनी है 90% ऑफ चल रहा है मेरा कोर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं जानते तो थोड़ी और वीडियोज देखो मेरे चैनल पे, काफी सारी वीडियोज मैं आप लोगों के लिए फ्री में बना के रखा हूं, और ऐसी वीडियोज मैं आप लोगों के लिए बनाते रहूंगा हेल्प करने के लिए, पूरा ट्रांसपेरेंट दिखाऊंगा कि कैसी चीजें चल रही हैं और कैसी चीजें नहीं चल रही हैं। तो अगर गाइज आप भी चाहते हो ये सारी चीजें सीखना और एफिलिएट मार्केटिंग सीखना, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी जो 90% ऑफ चल रही है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट की होगी और थोड़ा सा जरूर हेल्प की होगी कि आपको यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, राइट, वो आप मुझे कमेंट में जरूर बताओ, बिकॉज आपका एक कमेंट एक लाइक बहुत ज्यादा मुझे मोटिवेट करता है आप लोगों की हेल्प करने में ऐसी वीडियोस बना के। तो मेक श्योर ये काम आप जरूर करो, और गाइस ऐसे ही चैनल पे बने रहो। अगर आप सीखना चाहते हो एफिलिएट मार्केटिंग तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी, तो आप वहां पर ज्वाइन करके और भी सीखो, उससे पैसे कमाओ और यूट्यूब पे अपना ब्रांड बनाओ, और ऐसे ही वीडियोस को देखते रहो। सी नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।